डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। मुरादाबाद में भोजपुर में एक जनसभा में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा वादा किया गया था कि जो हमारे सपा के दिग्गज नेता डॉक्टर एस एन साहब हैं, उन्हें हम पार्टी में कहीं एडजस्ट करेंगे। जी देखिए, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बातें कही थी सबको मालूम है, मैं दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते भी हैं, हमें पूरा भरोसा है। उस दौरान भी हमारे साथ बहुत सी पार्टियों ने संपर्क करा था, जनता ने बहुत कुछ प्रेशर दबाव बनाया था, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से, मेरा ताल्लुक बहुत अरसे से है, मेरी मदर पार्टी है। मैं कल भी समाजवादी का था, आज भी समाजवादी पार्टी का हूँ और कल भी रहूँगा, भले से कुछ मिले या ना मिले। समाजवादी पार्टी की नीतियाँ और समाजवादी पार्टी के नेता, ख़ासतौर से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी, जितना प्यार जितनी मोहब्बत मुझसे करते हैं तो मुझे मालूम है, पल पल पे मेरा साथ दिया है, मेरी हिम्मत अफजाई करी है। नेताजी ने उंगली पकड़ के मुझे सब सियासत सिखाई है, मेरे पर बहुत एहसान है स्वर्गीय नेताजी के और अखिलेश यादव जी के। तो मैं कैसे, किसी कोई कुछ भी कहे, मैं क्यों उनकी पार्टी में जाऊंगा। और हम सियासत उसूलों की सियासत करते हैं, देश को इस पर ज़रूरत सेकुलर फोर्सेस की है, देश को ज़रूरत उन लोगों की है जो दिलों को जोड़ते हैं, उन लोगों की नहीं है जो दिलों को बांटते हैं। दिलों को जोड़ने का काम स्वर्गीय नेताजी और अखिलेश यादव जी ने हमेशा करा है और सबकी बात करी है, सबके साथ इंसाफ किया है और ख़ासतौर से मुसलमानों के हक़ की बात करी है। तो इस तरह की अफवाहें जो उड़ रही हैं, मेरा समझ में नहीं आता है कि इसका क्या आधार है। मैं समाजवादी हूँ और हमेशा रहूँगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक वादा किया था भोजपुर जनसभा में कि डॉक्टर साहब को हम एडजस्ट करेंगे कहीं ना कहीं पार्टी में, तो क्या कोई बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा संपर्क किया गया है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा था वो सबको मालूम है, वो मुझे उम्मीद है पूरा भी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी से कहते नहीं हैं कुछ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरे नेता हैं। वो अलग बात है कि उम्र में मैं उनसे ज़्यादा हूँ, मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे वो मेरे छोटे भाई हैं, मेरा रिश्ता उनसे उस किस्म का है, इसलिए उन दोनों रिश्तों को देखते हुए मैं तो समर्पित हूँ उनके लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए। डॉक्टर साहब, पुनर की विधानसभा में जो है उपचुनाव में तो एक चर्चा ये भी तेज है कि आपको बसपा के कई नेताओं के द्वारा संपर्क किया गया। देखिए, कुंदरकी के चुनाव होने हैं और वो तो मैं उसका टिकट मांग तो रहा नहीं हूँ। राष्ट्रीय नेताजी अगर मुझसे कहेंगे, अध्यक्ष जी कहेंगे, तो मना नहीं करूँगा, जैसे मुझसे गलती रामपुर वाली हुई थी। लेकिन बीएसपी ने पहले करा था, अब कोई मेरा संपर्क बीएसपी से वालों ने मुझसे नहीं करा है। जब टिकट कटा था उस वक्त बीएसपी नहीं बल्कि कई पार्टियों ने करा था। आपने किसी अन्य पार्टी में जाने को इनकार कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे? मैंने कहा ना कि मेरी मदर पार्टी है, उम्र के इस पड़ाव में मैं किसी और दूसरी पार्टी में क्यों जाऊंगा। जब तक देश का इंटरेस्ट, मेरी कम्युनिटी का इंटरेस्ट समाजवादी पार्टी में बरकरार रहता है और सांप्रदायिक ताकतों से समाजवादी पार्टी दूर रहती है, मैं समाजवादी पार्टी में ही रहूँगा।